आप सभी का केआईपी में स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर वेबिनार टॉपिक दैट इज बायोमास ब्रिकेट्स और पिलेट बिजनेस। देखिए, जो बायोमास ब्रिकेट्स का जो बिजनेस है, आज के जो इकोनॉमिक सिनेरियो है और एक जो कॉन्सेप्ट है हमारी कि वेस्ट टू बेस्ट, कि ऐसा जो वेस्ट है, जो कचरा है, जिसको हम कचरा बोल के भगा देते हैं मार्केट में, बाहर खेतों में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, या जो भी म्यूनिसिपल वेस्ट है, उससे वेस्ट टू बेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो बायोमास ब्रिकेट्स बिजनेस हमें सिखाता है। आज का जो एग्रीकल्चर्स जो रेजिड्यूज होता है, एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है, और गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस ये है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हम एनर्जी सोर्स जनरेट कर पाए, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके जो बायोमास ब्रिकेट्स का जो बिजनेस है आज के टाइमिंग में बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है और बहुत ही ज्यादा ग्रूमिंग सेक्टर है। हमारे पास बहुत सारे बिजनेसमैन की ये रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर, हम बायोमास ब्रिकेट या पिलेट का जो बिजनेस है इनिशिएट करना चाह रहे हैं, तो इस पे आप हमें प्लीज कुछ अपडेट दीजिए, जानकारी दीजिए। तो आज उसी को लेके हम आपके साथ इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जो बायोमास ब्रिकेट बिजनेस है, आगे हम इसमें डिटेल पे डिस्कशन भी करेंगे, कैसे इस बिजनेस को इनिशिएट करें, क्या मेजर इन्वेस्टमेंट इसमें रिक्वायरमेंट और क्या सब्सिडी कंपोनेंट्स हमें इस पे मिलेंगे, वो मैं आगे डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे पहले तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन एनर्जी है। जैसे पेट्रोल और डीजल से एक बहुत बड़ा पोल्यूशन क्रिएट होता है, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि इनके सब्सिट्यूट्स मार्केट में आए ज्यादा से ज्यादा। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके अगर देखें तो बायोमास ब्रिकेट जो है ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है, यानी ये हमें एक एनर्जेटिक कॉन्सेप्ट दे रहा है, हमारे जो एनर्जी की पूरी इकोनॉमिक की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में हमें हेल्प करता है। वेस्ट से एनर्जी का प्रोजेक्ट, वेस्ट टू बेस्ट तो है ही है, वेस्ट से एनर्जी कैसे जनरेट करें ये वो प्रोजेक्ट है। और इनडायरेक्टली हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक सब्सिट्यूट है कोयले का, जहाँ कोयले से पोल्यूशन होता है, तो कोयले की जगह कुछ ऐसा एक उसका अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिले, तो ये बायोमास ब्रिकेट उसमें काम करता है। और अभी जो ये है कोयले की जगह, कोयले के साथ को फायर किया जाता है, कोयले के साथ बायोमास ब्रिकेट्स या पिलेट्स, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ कोयले का यूजेज होता है, तो वहाँ कोयले के साथ इसको को फायर किया जाए। तो इसकी बहुत ही ग्रूमिंग मार्केट्स हैं। आगे हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स देखते हैं कि बायोमास ब्रिकेट का यूज हम क्यों करें, इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, कोयले का ये सब्स्टिट्यूट्स है और अभी मार्केट में इसको व्हाइट कोल भी बोलते हैं, यानी सफेद कोयला, यानी कोयले को सब्स्टिट्यूट्स करने वाला ये एक अल्टरनेट बिजनेस है। और हमारे यहाँ जैसे नॉर्थ जोन में, पूरे इंडिया में, क्योंकि कोयल का प्रोडक्शन कम है, कोल हमें जो है साउथ साइड से लेना पड़ता है या बिहार या नीचे की बेल्ट से लेना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत आती है, इंडस्ट्रीज को कोयल की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उसका एक अल्टरनेट सोर्स ही हमें जनरेट हुआ। और जो कोयला है उसके कंपैरिजन में जब हम बायोमास ब्रिकेट को देखते हैं, तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यूज है 1 किलो में 3400 से 4000 KCL की इससे जनरेट होती है, तो बहुत ही अच्छा एक एनर्जी सोर्स है। इससे जो राख बचेगी, जो राख का कंटेंट, जैसे कोयले में जो राख बनती है वो बहुत ज्यादा बनती है, लेकिन इसका जो राख का जो एस कंटेंट होता है वो 6 to 10% ही होता है, तो ये भी एक इसका बेनिफिट है। लोअर मॉइस्चर होता है इसमें 3 से 10%, इस वजह से इसमें जो हीट जनरेशन है वो ज्यादा होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन इसकी बनती है, कोयले की तुलना में सस्ता भी है, इजी हैंडलिंग है, इजी टू स्टोर है, ट्रांसपोर्ट है, कोयले की जो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा बहुत कॉस्टली पड़ती है, लेकिन इसकी इजी हैंडलिंग है, और पोल्यूशन भी इससे कम बनता जनरेट होता है, सल्फर इसमें बहुत कम जनरेट होती है, और इसकी जो बर्निंग ड्यूरेशन है लंबे, जैसे कोयला जलता है लंबे समय तक, इसके लिए इसकी जो बर्निंग ड्यूरेशन है वो भी लंबी है, तो ये इसके कुछ यूनिक बेनिफिट हैं। इसका जो टोटल वेस्टेज है, जो हैंडलिंग प्रोसेस लेके जा, वेस्टेज लॉस भी बहुत ही कम है, 8 से 10% का, तो ये जो यूनिक बेनिफिट है बायोमास ब्रिकेट्स के और पिलेट्स के,
या मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। जो ब्रिकेट्स के जो साइज होते हैं वो कंपेरेटिवली 2 किलो 4 किलो ऐसे बड़े साइज का ब्रिकेट्स बनता है, और पिलेट्स जस्ट लाइक ए बुलेट्स होती है और उसका जो साइज है वो बड़ा छोटा होता है। तो ज्यादा डिफरेंस इसमें बेसिक जो है मैन्युफैक्चरिंग का ही एक डिफरेंस होता है। ब्रिकेट्स भी हम इनको बोलते हैं, ब्रिकेट्स जनरली बड़े साइज के होते हैं और पिलेट्स छोटे साइज के होते हैं। तो ये यूनिक बेनिफिट है जिनकी वजह से ब्रिकेट्स की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, और एज ए कोल का जो सब्सिट्यूट्स एक सोर्स जनरेट के नाते ये बिजनेस बन पाया। अभी रिसेंटली जो हमारी देश की मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसने बड़ा ही अच्छा एक डाटा रिलीज किया है कि 24 जुलाई 2022 तक हमारे देश में जो अभी 35 थर्मल प्लांट्स हैं इनमें 80,525 मीट्रिक टन बायोमास ब्रिकेट यूज की जा चुकी है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा, गवर्नमेंट ने पिछले बजट में अनाउंस किया था कि हम थर्मल पावर प्लांट में इन चीज़ों का यूजेस करेंगे और इससे एक अच्छी एनर्जी सोर्स हमें मिलेगा। तो 24 जुलाई 2022 तक इन प्लांट्स में इतना यूज किया जा चुका है, और जो आगे थर्मल पावर प्लांट्स की संख्या भी बढ़ रही है तो इनडायरेक्टली इस बिजनेस की ग्रोइंग डिमांड है। अभी जो डाटा रिलीज किया उसके अकॉर्डिंगली आज की डेट में 95,000 टन बायोमास ब्रिकेट पर डे की रिक्वायरमेंट है जो थर्मल पावर प्लांट्स की है। लेकिन जो मार्केट में जो टोटल अभी करंटली जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 7,000 टन की है पर डे की, यानी आप देखेंगे बहुत बड़ा गैप, ए लार्ज गैप है डिमांड एंड सप्लाई में। ये बहुत बड़ी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है हम सभी के लिए जो बिजनेसमैन करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड अच्छी है इस प्रोडक्ट की, सप्लाई अभी कम है। तो ये ग्रोइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है हमारे पूरे देश में। तो जो बिजनेसमैन इस बिजनेस में लाइनअप करना चाहते हैं तो वो प्लानिंग कर सकते हैं। अब देखिए कि जब बिजनेस हम इनिशिएट करते हैं तो माइंड में आता है कि सर इसका रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा। तो बहुत ही इजीली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स इसमें यूज होते हैं, हमारे एग्रीकल्चर बेल्ट है पूरी की पूरी, मस्टर्ड हस्क है, मस्टर्ड स्ट्रा यानी जो सरसों की हमारी होती है, सरसों का जो भी रेजिड्यूज होता है वो हम यूज कर सकते हैं, कॉटन का यानी कपास का जो खेती होती है उसके जो रेजिड्यूज होते हैं वो यूज कर सकते हैं, चावल के जो राइस हस्क है, पेडी स्ट्रा है, ये यूज कर सकते हैं, ग्राउंड नट्स का भी हम यूज कर सकते हैं, जो लकड़ियों के आरे होते हैं जहाँ लकड़ियाँ चीरने का काम होती है, जो उनकी सार डस्ट होती है वो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, कोई तूड़ा है, चना है, हस्क है, इनके हम यूज कर सकते हैं, शुगर केन का भी जो एग्रीकल्चर रेजिड्यूज है गन्ने का वो भी हम इसमें यूज किया जा सकता है, और कॉर्न यानी मक्के का भी जो इसमें एग्रीकल्चर रेजिड्यूज होता है वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल हमारे पास, इसके अलावा कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं, कुछ नेपियर ग्रास है, कुछ ऐसे घास है, कुछ ऐसे हमारा जैसे काउ डंक भी है, इस टाइप से भी कुछ कंपोनेंट और यूज किए जा सकते हैं अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इस मार्केट में, जो एग्रीकल्चर रेजिड्यूज हैं या एनिमल रेजिड्यूज हैं उन सभी के कंपोजिट करके एज ए रॉ मटेरियल ये आसपास के एरिया में हमारे इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो रॉ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट इसमें ये जो बेसिक कंपोनेंट है जो मैंने शेयर की इसके अलावा भी हो सकते हैं, प्राइमरली ये इसमें। अब हम आते हैं कि बायोमास ब्रिकेट्स हमने बना लिया, रॉ मटेरियल हमारे पास है, तो इसकी डिमांड कहाँ कहाँ हो। तो जैसे मैंने पहले ही आपको एक शेयर किया था कि थर्मल पावर प्लांट में तो है ही है, इसके अलावा क्योंकि ये एज ए एनर्जी रिसोर्स यूज किया जाता है, तो जितनी टेक्सटाइल मिल्स हैं, ईंट भट्ठे जितने भी हैं उनमें कोयले की जगह यूज किया जा सकता है, फूड इंडस्ट्रीज में जहाँ प्रोसेसिंग्स हैं, बॉयलर्स हैं, भट्टियाँ चलती हैं वहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, लेदर इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, डाइंग हाउस हैं, केमिकल प्लांट्स हैं, थर्मल प्लांट्स हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स दूसरी हैं जो उनमें भी, रबड़ इंडस्ट्री में भी यूज किया जा सकता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, पेपर मिल्स में भी यूज किया जा सकता है। तो देखिए डिमांड बहुत है लोकली, जितने भी आसपास इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है जहाँ बॉयलर्स यूज होते हैं वहाँ हम इसका यूजेस कर सकते हैं। तो डिमांड प्रोस्पेक्टिव इस बिजनेस का बड़ा अच्छा है। अब अगर हम थोड़ा सा बात करें कि सर इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या रहे, तो जनरली हम एक स्टैंडर्ड कैपेसिटी ले लेते हैं कि जैसे 2 टन पर आर का अगर हम प्लांट सेटअप करते हैं, स्टैंडर्ड हमने कैटेगरी लिया, आप छोटी मिनिमम
साइज की भी मशीनें यूज कर सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड साइज ले, एक अच्छे प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड साइज अगर हम 2 टन पर आवर ले, उस प्रोजेक्ट को अगर हम इनिशिएट करें, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें आती है। तो सबसे पहले अगर हम लैंड रिक्वायरमेंट देखें, ये आपके खुद की भी हो सकती है, आप लीज पे भी लेके कर सकते हैं। जनरली आधा एकड़ से लेके 1 एकड़ तक का आप इसमें कैंपस मैनेज कीजिए। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि जो आपको जो रॉ मेटेरियल है उसका जो स्टोरेज करना है, तो स्टोरेज पर्पज से आप लैंड रिक्वायरमेंट को बढ़ा सकते हैं। जनरली अगर आपके पास आधा एकड़ है तो भी आप ये प्रोजेक्ट इनिशिएट कर सकते हैं। आधे से 1 एकड़ का कैंपस बहुत ही सूटेबल रहता है। बिल्डिंग और जो शेड बनेगा, अदर सिविल वर्क होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के जो वर्क्स होते हैं, जनरली 550 स्क्वायर मीटर से 650 स्क्वायर मीटर का एरिया इसको रिक्वायर्ड होता है। अप्रोक्सीमेटली जो कॉस्ट है, आप 50 लाख से लेके 55 लाख तक का एक बिल्डिंग और अदर जो सिविल वर्क है उसके लिए आप प्लान आउट कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। ये डेबिट हो जा सकते हैं, ये कोई फिक्स हम नहीं बता रहे, एक एस्टिमेशन है जो 2 टन पर आवर प्रोजेक्ट का एक हम शेयर कर रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी जो मार्केट में अभी जो अवेलेबल है, इस टाइप की जो मशीन है जिनकी कैपेसिटी 1 घंटे में 2 टन बायोमास ब्रिकेट्स या पिलेट्स को जनरेट करने की है, अप्रोक्सीमेट प्राइस 75 लाख से 80 लाख की रेंज में आ रहा है। अब बाकी मार्केट में और अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीनें आ रही हैं, तो ये कॉस्ट आपकी रिड्यूस भी हो सकती है और एडवांस टेक्नोलॉजी में ये बढ़ भी सकती है। तो प्लांट एंड मशीनरी की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये अप्रोक्सीमेटली 75 लाख से 80 लाख तक के बीच में हमारे पड़ते हैं। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिफिकेशन है, वेट मेजरमेंट है, फर्नीचर फिक्सर्स हैं, क्योंकि वेट मेजरमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कच्चा माल को भी आपको तोलना पड़ेगा और जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है उसको भी आपको वेट मेजरमेंट करना होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 लाख का प्रोविजन हम अदर टूल्स के लिए रखते हैं। इसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल नीड्स रहती है, जैसे स्टैंडर्ड अगर हम ले 30 डेज का, तो अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 लाख का रहता है। फिर भी क्योंकि ये थोड़ा सा सीजनल बिजनेस होता है, रॉ मटेरियल को सीजनल स्टोरेज करने की डिमांड होती है, तो आप अपने वर्किंग कैपिटल की डिमांड्स को बढ़ा भी सकते हो और अकॉर्डिंगली मैनेज भी कर सकते हो जितना फंड्स आपके पास अवेलेबल है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ये एक स्टैंडर्ड हमने 30 डेज का लिया है, जिसमें रॉ मटेरियल्स, लेबर वगैरह एवरीथिंग्स हमने इसमें काउंट किया है। तो अगर हम टोटल देखें इसमें 2 टन वाले प्रोजेक्ट में, लैंड को छोड़ के बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और अदर टूल्स और वर्किंग कैपिटल को लें, तो 1 करोड़ 85 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की रेंज का टोटल एक फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें अलोंग विद वर्किंग कैपिटल ये मैनेज किया जा सकता है। यानी आप एक अच्छा प्रोजेक्ट 1.75 से लेके 2 करोड़ तक की रेंज में इसको हम लाइन अप कर सकते हैं। खुद का जो फंड है आप एटलीस्ट 25% मैनेज कर सकते हैं, बाकी जो फंड्स हैं 75% तक आप बैंक लोन से मैनेज कर सकते हैं। बैंक लोन भी इजीली अवेलेबल होगा इस प्रोजेक्ट पे, आगे मैं शेयर करूंगा आपको। तो इस तरीके से ये अगर आपका माइंडसेट ये है कि आप 40-50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट खुद का कर सकते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट राइज के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट आप इनिशिएट कर सकते हैं। टोटल ओवरऑल 2 करोड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट बनता है। आइए आप थोड़ा सा जान लेते हैं कि मार्केट में स्टैंडर्ड प्राइस क्या है। तो जो अभी हमने रिसेंटली इस पे रिसर्च किया, तो मार्केट का जो इसमें लोअर टू लोअर प्राइस है वो 5700 रुपये पर टन, मतलब आपको या इनडायरेक्टली हम ये कहें कि 5 रुपये 70 पैसे से पर केजी का इसका एक मार्केट का रेट है। रिसेंटली अभी कुछ और अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही, तो ये रेट मतलब 5700 से लेके 7500 रुपए तक की रेंज में मार्केट में प्रिवेल हो रहा है। अच्छी क्वालिटीज के जो पिलेट्स बनते हैं इवन तो वो 8500 रुपए तक भी मार्केट में प्रोजेक्टेड आ रहे हैं। तो ये मार्केट में एक एवरेज प्राइस चल रहा है, जो पर टन के हिसाब से अगर हम देखें एवरेज जो कॉस्ट आ रही है, सारे कंपोजिट को हम देखते हैं, रेजिड्यूज जो देखते हैं, तो इट विल अराउंड अप्रोक्स 4300 रुपये पर टन आती है। ये कॉस्ट आपकी डेबिट हो सकती है अकॉर्डिंगली, जो रॉ मेटेरियल की अवेलेबिलिटीज आपके पास है अकॉर्डिंगली डेबिट हो सकती है। ये एक स्टैंडर्ड हम शेयर कर रहे हैं आपको, ताकि एक बिजनेस का आइडियाज आपको मिले। ग्रोस मार्जिन एवरेज में 1400 रुपये पर टन का आपका आता है, अप्रोक्सीमेटली 25% ग्रोस मार्जिन आपको 1 टन पे मिलता है। अगर बाकी के हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करते हैं, आपकी जो बाकी की जो कॉस्टिंग्स हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 1000 पर टन आपको इसमें नेट मार्जिन मिलने की चांसेस हैं। अगर हम इसी स्टैंडर्ड को ऑप्ट करते हैं, तो लगभग 3 से 4 साल में आपको पूरा पे बैक आपको मिल जाता है, जितना इन्वेस्टमेंट पूरे प्रोजेक्ट का है एज ए प्रॉफिट्स में, आपको ये 3 से 4 साल का पे बैक पीरियड इसमें पूरे बिजनेस में रहता है।
तो ये हमने स्टैंडर्ड आपके साथ शेयर किया है। डेविएट हो सकता है, बिजनेसमैन को हमारी एडवाइस होती है जब भी आप कोई बिजनेस इनिशिएट करें तो आप अपने लेवल पे उस पर जरूर वर्कआउट करें। ये स्टैंडर्ड हमने यहाँ आपके साथ शेयर किया। अब देखिए, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव काफी अच्छा है, लेकिन अगर हम इसमें देखें कि गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है बाय गिविंग सब्सिडी बेनिफिट्स, तो सब्सिडी कंपोनेंट को यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये आपके बिजनेस के कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर सब्सिडी प्लानिंग करते हैं, रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, अच्छे से टेक्नोलॉजी वाली मशीनें हैं, लैंड अगर आपके पास अवेलेबल है, तो आप इस बिजनेस को इनिशिएट कर सकते हैं और साथ में अच्छी सब्सिडी प्लानिंग करके आप ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी लाभ इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ आपको जो सब्सिडी बेनिफिट्स हैं वो शेयर कर रहा हूँ, जो आगे हम डिटेल्स में भी आपके साथ बताएंगे। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, उसके तहत भी हम बेनिफिट ले सकते हैं। स्टेट लेवल के एमएसएमई इंसेंटिव भी हम ले सकते हैं। सबसे अच्छा पॉइंट, इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगी आपको, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इस पे सब्सिडी देता है, और छोटे प्रोजेक्ट यानी 50 लाख तक की रेंज में से नीचे के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का भी आप सब्सिडी लाभ ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ ताकि आप प्लानिंग उस तरीके से करें। बहुत अच्छा पॉइंट, सबसे अच्छी जो इस प्रोजेक्ट की कवरेज है वो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा फोकस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट किया जाए, तो उसके तहत जो एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तैयार किया, तो उसमें ये बायोमास के बिजनेस के जो ब्रिकेट्स के बिजनेस है वो कवर होते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में अपने प्रोजेक्ट की अप्रूवल लेते हैं तो इससे आपको फायदा क्या होगा कि जो बैंक से आप लोन लेते हैं उसके ऊपर 3% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा आपको अगले 7 साल तक, और 2 करोड़ तक के लोन उसमें कवरेबल, तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। आप अगर इस बिजनेस को करने की प्लानिंग कर रहे हैं या आप टर्म लोन ले भी चुके हैं तो भी हम ये कहेंगे कि आप AIF की अप्रूवल जरूर लीजिए ताकि अगले 7 सालों में आपको इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ मिल सके। इसका दूसरा जो बेनिफिट है ये कि कोलेटरल फ्री लोन होता है इसमें, यानी CGTMSE एमएसएमई की गारंटी कवर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, आपको प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा अदर कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, तो ये भी इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है। इजी बैंक फाइनेंस होगा, विद इन 60 डे बैंक को आपको फाइनेंस करना होता है। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि यदि आप ये बिजनेस कर रहे हैं, करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो AIF का रूट जरूर लें बिफोर गोइंग टू टेक बैंक लोन। बैंक लोन लेने से पहले आप अपने प्रोजेक्ट का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में अप्रूवल जरूर लें ताकि ये बेनिफिट आपको मिल जाए। यहाँ इस फंड का सबसे अच्छा बेनिफिट पॉइंट ये भी है कि ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है आपके किसी भी राज्य और केंद्र सरकार से मिलने वाले अन्य सब्सिडी लाभों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, यानी जो भी आपको दूसरे बेनिफिट मिलने वो मिलेंगे ही, और ये इसके अलावा आपको टॉप अप बेनिफिट मिलता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट मैंने आपको शेयर किया। अगला जो इसमें बेनिफिट मिलने वाला है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का। ये CFA यानी सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये लाइनअप करता है। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बेस आपको इंसेंटिव देता है, यानी ये आज की जो दिसंबर में अभी गाइडलाइंस इश्यू हुई थी अकॉर्डिंगली ये हम आपको शेयर कर रहे हैं कि 9 लाख रुपए पर मेट्रिक टन पर आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी पे ये इंसेंटिव है। यानी सपोज आपने प्लांट सेटअप किया, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 टन है 1 घंटे की, तो आपको अकॉर्डिंगली 18 लाख रुपए का एक प्रोडक्शन कैपेसिटी बेस्ड इंसेंटिव्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ लाइन अप कर रही है। तो मैक्सिमम ये 45 लाख तक का हो सकता है, यानी मैक्सिमम अगर हम देखें तो 5 टन पर आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी का प्लांट भी इसमें एलिजिबल है। ज्यादा का है तो भी आपको जो मैक्सिमम जो स्लैब है वो 45 लाख तक का आपको यहाँ मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक IPA कॉन्सेप्ट, यानी इन प्रिंसिपल अप्रूवल कॉन्सेप्ट है। प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले आपको अपना IPA सबमिट करना होता है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में, वो आपका IPA एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं आपका प्रोडक्शन कमेंसमेंट हो जाता है, उसका वो जो लोग हैं इंस्पेक्शन करते हैं, अकॉर्डिंगली जो प्लांट की कैपेसिटी फाइनल निकल के आती है आपको इंसेंटिव दिए जाते हैं। तो ये यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि आपको प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले
इन प्रिंसिपल अप्रूवल डिपार्टमेंट से इसके लिए लेना हो। तो ये जो है हमने एमएनआरआई का आपको जो बेनिफिट्स बताए, इसके अलावा आप अपने स्टेट लेवल के जो एमएसएमई डिपार्टमेंट्स हैं उसके भी सब्सिडी और इंसेंटिव्स लाइनअप कर सकते हैं। यहाँ जनरली मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको, जो एमएसएमई डिपार्टमेंट, ये हर स्टेट के अपने अपने डेबिट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। जनरली जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि आपको स्टाम्प ड्यूटी रिफंड मिलता है जो लैंड बाइंग करते हैं आप इस बिजनेस के लिए। स्टेट वाइज डिफरेंट हो सकता है, जैसे हरियाणा में 100% तक स्टाम्प ड्यूटी रिफंड मिलता है। इसके अलावा आप अगर कंट्रोल एरिया में फॉल आउट होते तो सील फीस का रिफंड भी ले सकते हैं। स्टेट के भी खुद के भी कैपिटल सब्सिडी प्लान्स होते हैं जो कि बिल्डिंग और प्लांट और मशीनरी के कॉस्ट के अकॉर्डिंगली कैपिटल सब्सिडीज देते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं यहाँ जरूर आप सभी को बताना चाहूंगा कि कैपिटल सब्सिडी केवल आप एक ही ले पाते हैं, जनरली ये क्लोज होता है। फिर भी अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बूस्ट करने के लिए कोई अलग से सेपरेट कैपिटल सब्सिडी देती है तो उसका आप फायदा ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू दियर टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल ऑन दियर पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये भी आप लाइन अप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशन आप लाइन अप कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडीज मिलती है, ये आप लाइन अप कर सकते हैं। स्टेट के इंटरेस्ट सब्सिडी बेनिफिट मिलते हैं, जैसे मैंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में बताया कि 3% का आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट स्टेट गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड द इंटरेस्ट सब्सिडी पे, तो जो भी इसमें रेजिड्यू इंटरेस्ट सब्सिडी बेनिफिट आपका बनता है वो आप स्टेट से ले सकते हैं। ये भी अच्छा इसमें बेनिफिट है। ऐसे ही क्योंकि इस आइटम पे 5% जीएसटी है जो बायोमास ब्रिकेट्स आप बनाते हैं, तो जितना ज्यादा आप जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को पे करते हैं आपका टर्नओवर बढ़ता है, आपका बैंकिंग प्रोफाइल बढ़ता है, तो स्टेट गवर्नमेंट उस जीएसटी को भी रिफंड करते हैं, यानी जो आपने जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को पे किया उसका भी आपको रिफंड मिल सकता है। तो दीज आर सम बेसिक्स स्पेसिफिक सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट एमएसएमई बोर्ड, तो आप ये लाइन अप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट है इसमें इनकम टैक्स एग्जम्पशंस का, अंडर सेक्शन 80JJA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, बायोमास ब्रिकेट के बिजनेस पे जितना आपको प्रॉफिट होता है 100% आपका वो डिडक्शंस है अगले 5 सालों तक, यानी जिस साल से आपने बिजनेस कमेंसमेंट शुरू किया उससे लेकर अगले 5 सालों तक इनकम टैक्स में आपको कोई टैक्स नहीं देना। बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट का ये प्रोविजंस है, तो आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने भी एक स्पेसिफिक इसमें वन टाइम ग्रांट्स का प्रोविजन किया है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली जैसे ऐसे बायोमास ब्रिकेट्स या पेलेट बिजनेस जो पेडिस्ट्रा से बनेंगे, जो पेडिस्ट्रा का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, ये 14 अक्टूबर 2022 को नोटिफाइड हुआ है, वन टाइम ग्रांट है ऐसे यूनिट्स के लिए जो पेडिस्ट्रा का यूज करते हैं। तो इसमें जो ग्रांट है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको दी जाती है और 14 लाख रुपए पर टन, यानी प्लांट की कैपेसिटी के हिसाब से ये मैक्सिमम 70 लाख तक हो सकती है, यानी 1 टन का अगर आपका 1 घंटे का प्रोडक्शन कैपेसिटी है पेडिस्ट्रा से तो आप 14 लाख रुपए तक का ये वन टाइम ग्रांट ले सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये ऑप्शनल है, यदि आपने मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का बेनिफिट ले लिया तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, अगर इसका बेनिफिट ले लिया तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में जो 9 लाख रुपए पर टन मिलने वाला है उसका बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। तो ये जो सीपीसीबी की जो सब्सिडीज है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, ये वन टाइम ग्रांट है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है पोल्यूशन, जैसे पेडिस्ट्रा को जला दिया जाता है तो उसको रोकने के लिए ये ग्रांट इनिशिएट की गई है, और ये जो एनसीआर एरिया है हमारा उसी में ही एप्लीकेबल्स, दिल्ली हरियाणा पंजाब राजस्थान और यूपी में, बाकी स्टेट पे ये एप्लीकेबल्स नहीं है। तो इस अगर आप पेडिस्ट्रा का यूज करके अगर आप बायोमास पेलेट्स या ब्रिकेट का बिजनेस इनिशिएट कर रहे हैं तो ये इंसेंटिव भी आप लाइन अप कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ऑप्शनल है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स है आप अगर मिनिस्ट्री का ले रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का, तो ये ले नहीं पाएंगे, ऑप्शनल है। अगर आप 2 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट लाइनअप नहीं करना चाह रहे, छोटा यूनिट सेटअप करना चाह रहे हैं, 50 लाख तक की रेंज का करना चाह रहे हैं, तो पीएमईजीपी यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का भी बेनिफिट ले सकते हैं। इसके तहत जो कैपिटल सब्सिडी मिलती है आपको
जनरल के केस में 25% और फीमेल और एस सी एस टी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 35% है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल्स है। तो ये छोटे प्रोजेक्ट अगर कोई इनिशिएट करना चाहे तो वो पीएमएजीपी का बेनिफिट ले सकते हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी ये इंसेंटिव लाइनअप। तो यहाँ तक जैसे मैंने आपको बताया कि इस बिजनेस की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट नीडेड है और क्या क्या सब्सिडीज इस पे आपको मिलती हैं। हमारी तरफ से केआईपी एक बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम करती है। आप हमारे साथ जुड़ के किसी भी टाइप के बिजनेस को, बायोमास ब्रिकेट के अलावा जो दूसरा भी बिजनेस लाइनअप है उन पे हम आपको अपडेट्स भी देते हैं, आपके बिजनेस मॉडलिंग है, सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट्स हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, बैंकिंग्स हैं, सब्सिडी फाइलिंग्स हैं और रेगुलर कंप्लायंस है। ये हमारी टीम आपको किसी भी बिजनेस को इनिशिएट करने में आपको हेल्प करती है एज ए बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते। आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, बहुत अच्छा प्लान हमने आप बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक तैयार किया हुआ है, बिजनेस एंड सब्सिडी अपडेट प्लान। आप इसमें जुड़ेंगे तो रेगुलर आपको अपडेट्स मिलेंगे प्रोजेक्ट के, बिजनेस सब्सिडीज के। और इसमें हमने बड़ा एक नॉमिनल सा अमाउंट रखा है, 1 साल का ओनली 2500 रुपया। तो जो भी बिजनेस कम्युनिटीज के मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप अपने आप को रेगुलर अपडेट रख सकते हैं बिजनेस सब्सिडीज पे और नए नए प्रोजेक्ट्स पे। तो ये आप प्लान जो है हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वेबिनार के बाद आपको इसके लिंक शेयर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने बिजनेस की सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट जरूर बनवाएं, इससे आपकी प्रॉपर सब्सिडी प्लानिंग होती है और अपने सब्सिडी लाभ को आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट था हमने आपके साथ शेयर किया है। आप हमारे साथ डायरेक्ट कॉल करके भी कनेक्ट हो सकते हैं, ईमेल से भी कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑफिस में विजिट भी करके आप हमारे साथ कोई भी बिजनेस प्लानिंग डिस्कस कर सकते हैं। तो आप सभी का थैंक यू, आप सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और मुस्कान, इज देयर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी आवर पार्टिसिपेट? टाइम शॉर्टेज है हमारे पास, ओनली 6 से 7 मिनट हमारे साथ शेष हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है तो वो आप हमारे साथ ले सकते हैं। मुस्कान, इज देयर एनी यस क्वेश्चन? सर, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। वन क्वेश्चन इज फ्रॉम दीपक, इज सीएलयू रिक्वायर्ड फॉर दिस बिजनेस? या डेफिनेटली, अगर आपका जो लैंड है वो कंट्रोल एरिया में फॉल आउट होता है तो आपको सीएलयू लेना भी पड़ेगा। एनी अदर क्वेश्चंस? सर, फ्रॉम मन्नू बंसल, कैन टू सब्सिडीज अवेलेबल स्टेट एज वेल एज सेंट्रल? देखिए, मैंने बताया अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का है, ये आप ले सकते हैं, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इंटरेस्ट सब ये आप ले सकते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है और जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनमें से केवल आप एक का ले सकते हैं। सेंट्रल जो पोल्यूशन बोर्ड है वो केवल पेडिस ट्रा को यूज करने पे ही देता है, यानी अगर आपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सब्सिडी का बेनिफिट ले लिया तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का आप नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा स्टेट के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आप ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू दियर नॉर्म्स एंड कंडीशन। जनरली कैपिटल सब्सिडी आप एक ही ले पाते हैं, लेकिन बाकी के इंसेंटिव आप ले पाएंगे, जैसे स्टाम्प ड्यूटी है, सीएलयू फीस रिफंड है, इलेक्ट्रिक ड्यूटी अग्रीमेंट्स है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, इंटरेस्ट सब्सिडी है, वो स्टेट के ले सकते हैं। हाँ जी, एनी अदर? सर, फ्रॉम दीपक, इज एनओसी रिक्वायर्ड फ्रॉम फायर एंड पॉल्यूशन डिपार्टमेंट? पॉल्यूशन का इसमें कोई काम ही नहीं है सर, ये बिल्कुल ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है, देर इज नो एनी नीड ऑफ एनी पॉल्यूशन। हाँ, अगर आप, जैसे मैंने बताया आपको, क्योंकि इस पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही इंसेंटिव दे रहा है पेडिस्ट्रा का, अगर आप लाइन अप करते हैं, अदर देन नो एनी नीड टू फॉर टेकिंग द पॉल्यूशन एनओसी एज कंसेंट, क्योंकि पॉल्यूशन का कोई काम ही नहीं है, डायरेक्ट एग्रीकल्चर रेजिड्यूज होता है, ग्रीन प्रोजेक्ट है आपका, किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन इसमें नहीं होता है। एनी अदर? सर, वन क्वेश्चन फ्रॉम हाँ जी, राम, इज द स्टेट लेवल एमएसएमई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जम्पशन एप्लीकेबल फॉर एवरी स्टेट? जनरली हर एक स्टेट के अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपके स्टेट की एमएसएमई स्पेसिफिक पॉलिसीज होती है। इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जेम्पशंस, जहां तक हमने जितने भी स्टेट का हम स्टडी कर रहे हैं, अवेलेबल इन एवरी स्टेट,
तो आप अपना जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं राम जी, आप वहाँ का स्टेट पॉलिसी जरूर लाइन अप कीजिए, आपको डेफिनेटली मिलता है इसमें. एनी अदर? हाँ मुस्कान, एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनी पार्टिसिपेट्स? अगर कोई पार्टिसिपेट डिस्कस भी करना चाहे पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास 5 मिनट का टाइम शेष है. हाँ जी, अगर किसी को बोलना है तो खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हैं. कोई भी क्वेश्चंस अगर कोई इसके लिए एनटीपीसी के साथ एग्रीमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि रिसेंटली पिछले बजट में आपने देखा हो गवर्नमेंट परमिट कर चुकी है. मैंने पावर मिनिस्ट्रीज का भी डाटा आपके साथ शेयर किया था, अभी पावर मिनिस्ट्रीज की डिमांड है नियरेस्ट एरिया में जो भी आपका नेशनल थर्मल पावर प्लांट है आप उसे संपर्क कीजिए, उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आप उनको जो क्वालिटीज ऑफ ब्रिकेट्स या प्लेट्स है इंश्योर कीजिए, डेफिनेटली वो आपसे लेंगे सर. आप अप्रोच करके उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ओके. हाँ जी, एनी अदर? हेलो. हाँ जी, हाँ जी बोलिए. सर एक्चुअली मेरे पास एक एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पे मैं सेटअप करना चाहता हूँ, तो इज इट पॉसिबल कि उस पे हम सेटअप करें? और अगर सेटअप करना भी चाहते हैं तो उस पे एनओसी लेना पड़ेगा या मुझे सीएलयू लेना पड़ेगा? कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? आदमपुर. आदमपुर से. क्या नाम सर आपका? रजत. रजत जी, देखिए जब भी आप किसी भी लैंड पे कोई भी बिजनेस इनिशिएट करते हैं आपको सबसे पहले अपने लैंड का स्टेटस चेक करना चाहिए कि वो जो नियरेस्ट आपका डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर है उसका कंट्रोल एरिया में तो नहीं फॉल आउट हो रहा है. तो डीटीपी ऑफिस बोलते हैं, आप अपने जिले के डीटीपी ऑफिस से संपर्क कीजिए, लाइन अप कीजिए कि वो लैंड अगर कंट्रोल एरिया से बाहर है तो आपको एनओसी लेना होता है, कंट्रोल एरिया के अंदर है वो लैंड तो आपको सीएलयू लेना होता है. राइट. एग्रीकल्चर लैंड पे सर ये मिल तो जाता है ना एनओसी या सीएलयू? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर. एनओसी एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड पे आप एक कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो तभी रिक्वायरमेंट होती है. बस उसकी एक कंडीशन यही होती है कि कंट्रोल एरिया जो होता है आराम से मिल जाता है एनओसी, तो विद इन 24 आवर्स मिल जाता है आपको, ऑनलाइन अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल. और उसका फी स्ट्रक्चर सर कुछ आइडिया दे सकते हैं अगर हम प्रपोज कार्ड लाने का? देखिए वो पहले आप स्टेटस को देखिए, एनओसी की कोई फीस नहीं रहती, सीएलयूज की एरिया वाइज जितना एरिया आप कवर करते हैं उनके स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं सीएलयूज के, वो 10 रुपए पर स्क्वायर मीटर से लेके जो भी उनके आगे एप्लीकेबल फीस होती है वो आपको भरनी होती है और मिल जाती है. ठीक. हाँ जी. एनी अदर? एनी अदर मुस्कान? लोन इंटरेस्ट कितना होगा? हाँ जी, क्या लिखा हुआ है सर? अनुज पूछ रहे हैं कि पीएमईजीपी जो स्कीम है उसमें लोन इंटरेस्ट कितना होगा? देखिए लोन इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका बैंकर डिसाइड करता है, जनरली ये एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर की फंडिंग्स में कवर होते हैं, बैंक टू बैंक वेरी हो सकता है, स्टैंडर्ड ये जो है 9-10% की रेंज में इजीली आपको लोन मिल जाता है. एक नेम एनएम से आ रहा है, स्टेट सब्सिडी अप्लाई है सर इन एमपी? हाँ, एमपी में भी मिलेंगे स्टेट सब्सिडी. जैसे मैंने बताया पहले जितने भी स्टेट हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपके स्टेट की एक एमएसएमई पॉलिसी बनती है, गवर्नमेंट एमएसएमई स्पेसिफिक इंसेंटिव लाइनअप करती है तो हर स्टेट में एप्लीकेबल्स होगी. हाँ, उनमें जो बेनिफिट है, इंसेंटिव्स है, सब्सिडी है, वो प्रोपोर्शनेटली वो किसी स्टेट में थोड़ा कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, वेरिएंट हो सकते हैं, लेकिन मिलेंगे जरूर आपको, वो पॉलिसी गाइडलाइंस आप देख सकते हैं. सर हमने देखा था तो उसके अंदर इसको नेगेटिव लिस्ट में डाल के रखा हुआ है एमपी के अंदर, तो ये सही है क्या? सर देखिए जनरली नेगेटिव लिस्ट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंट का थ्रस्ट सेक्टर है, आप उसके लिए एमपी का जो भी आपने डॉक्यूमेंट रीड आउट किया आप हमारे साथ शेयर कीजिए, जनरली ये नेगेटिव में नहीं आएगा सर, क्योंकि ये तो वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट है सर, वेस्ट टू बेस्ट का प्रोजेक्ट है, नेगेटिव लिस्ट में नहीं होगा सर. फिर भी कोई डेविएशन होगा हम उसको देख सकते हैं, आप शेयर कर दीजिए हम आपको अपडेट. राइट, थैंक यू. हेलो सर. हाँ जी, हेलो सर. हाँ बोलिए सर. सर क्या बैंकिंग लोन के लिए कुछ आप ये कर सके, मतलब हेल्प कर सकते क्या आपकी टीम? बिल्कुल सर, मैंने आपको बताया कि बैंकिंग से इजी लोन लेने के लिए आप AIF का रूट लें, हम AIF में पूरा अप्रूवल करा के देते हैं आपको. ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जब आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है
उसके बाद आपको बैंक से लोन लेना होता है। तो उसका मैंने फायदा भी बताया, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी, भारत सरकार आपकी क्रेडिट गारंटी लेती है लोन की, और 3% इंटरेस्ट कन्वेंशन भी आपको मिलता है, और बैंक को टाइम लाइन से 60 दिन के अंदर करना ही करना होगा। अगर कोई रिजेक्शन का रीजन है तो उनको ऑनबोर्ड रखना हो। तो इजी बैंक फाइनेंसिंग के लिए आप AIF का रूट लें, AIF में हमारी पूरी टीम आपको सपोर्ट देगी, अप्रूवल तक आपको सपोर्ट देगी। इवन दो हम बैंकिंग को भी सपोर्ट देते हैं, उनको कंसल्ट करते हैं इस स्कीम के बारे में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इजी वे से आपको लोन दे पाए। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ, एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनी पार्टिसिपेट्स? मैं पूछ सकता हूँ? नहीं पूछ नहीं। हेलो हाँ जी, हाँ जी सर बोलिए। जिंदर जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। रोहतास मलिक बोल रहा हूँ सर। वेलकम सर, वेलकम मलिक जी, बहुत ही स्वागत है आपका KIP में, बताएं सर। थैंक यू जिंदर सर। सर, हरियाणा के अंदर बायोमास के अंदर CLU एग्जेम्प्ट है, तो ये प्रोजेक्ट उस बायोमास कैटेगरी में आएगा नहीं आएगा सर? जैसे मैंने CLG के बायोमास, प्रोजेक्ट के लिए जब होमवर्क किया था तो CLU डिपार्टमेंट से संपर्क किया था, तो उन्होंने अच्छा कहा था अच्छा कि बायोमास के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो CLU हम कंसिडर नहीं करते, आपको CLU एग्जेम्प्ट हो आप। राइट सर, राइट राइट, हो सकता है सर, बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, हम नोट कर लेते हैं। इसके ऊपर भी अगर कोई CLU डिपार्टमेंट के कोई गाइडलाइंस होगी कि अगर बायोमास ब्रिकेट पिलेट्स पे एग्जम्पशंस अगर डिपार्टमेंट की तरफ से हैं तो वो जरूर हम नोट रखेंगे सर, वो पहले वर्कआउट कर लेते हैं, डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन को चेक कर लेते और एक क्वेश्चन और है जिंदर सर, हाँ जी, हाँ जी सपोज बोलिए। PMEGP हमने सब्सिडी ले ली PMEG से, इसके अलावा हरियाणा सरकार की जो पॉलिसीज है जैसे GST रिफंड है या आप अपना नहीं कुछ ले, जनरेटर पे सब्सिडी, वो अवेल कर सकते नहीं हैं? नहीं नहीं सर, क्या है कि PMEGP अगर आप बेनिफिट ले लेते हैं तो जनरली जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर देती है वो, अगर आप PMEGP में कोई बेनिफिट लेते हैं तो। ओके डियर, थैंक यू। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, एनी अदर? मुस्कान, टाइम हमारे पास कम है, 1 मिनट का शेष है। एनी अदर पार्टिसिपेट वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, प्लीज रेज योर हैंड्स, आप नोट करके मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। सर एक आया है मन्नू जी का, CLU फीस एग्जाम्ड है बट CLU लेनी होगी इस एप्लीकेबल। ओके ओके, बहुत अच्छा मनोज जी का, थैंक्स कि उन्होंने ये अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर किया हमारे वेबिनार में। अगर एग्जाम्ड है लेकिन वो उनको अप्लाई करना होगा, राइट, यही कह रहे होंगे वो? हाँ जी, हाँ जी, दैट गुड सर, बहुत अच्छी बात है। तो जनरली मैंने बताया कि इनकम टैक्स एग्जम्पशंस मिलता है और भी बेनिफिट्स हैं, तो सभी पार्टिसिपेट्स को मैं एक बार पुनः थैंक यू बोलना चाहूंगा, आप सभी का बहुत अच्छा योगदान इस वेबिनार में रहा। आप अपने नियर डियर जो भी इस बिजनेस को इनिशिएट करना चाह रहे हैं, हम सब मिलके इस बिजनेस को इनिशिएट करें और अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री बनाने में हेल्प करें। थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन, ऑल पार्टिसिपेट आर वेलकम इन KIP, थैंक यू।